हेलो फ्रेंड्स, आज हम SPST स्विच का कनेक्टर बताने वाले हैं। ये है SPST स्विच। हम इसमें नाम लिख देते हैं क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो देख सकते हैं SPST स्विच है, इसका हमें कनेक्शन बताने हैं। इसमें मोटर और बैटरी कनेक्शन कैसे होंगे जिससे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चल सके, चलिए हम बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मोटर को बना लेते हैं जिससे आपको पता चल सके कि मोटर में किस तरफ कैसे तार लगाने हैं। तो ये मोटर है, देखिए इसमें दो तार है, मैं लिख भी देता हूँ जिससे लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब हम नीचे एक बैटरी को भी बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक बैटरी बनाई है, थोड़ी थोड़ी 9 वोल्ट जैसी बैटरी बनाऊंगा मैं, क्योंकि और कोई बनाने ही नहीं आती है। तो हमने बना दिया बैटरी को, लिख भी देते हैं क्योंकि बहुत महान महान लोग बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं, आप कनेक्शन बताते हैं, हमें इसमें एक क्रॉस टाइप का बनाना है। तो अब आप देख सकते हैं हमें इसमें क्रॉस टाइप का बनाना है, देख सकते हैं ऐसे क्रॉस वायर से क्रॉस सोल्डरिंग करनी है। और जो सेंटर वाले होंगे उसका एक तो हमें ले जाना है और उसमें से एक को मोटर के माइनस में और एक को प्लस में, वो आपकी मर्जी है माइनस प्लस आप कौन सा करना चाहते हैं। और नीचे में से जो क्रॉस लगाया था उसमें से एक तार बैटरी में और दूसरा तार दूसरी बैटरी में। अब ये पूरा हो चुका है कनेक्शन। तो आप देख सकते हैं इसमें लिख भी देते हैं हम SPST स्विच कनेक्शन, कनेक्शन लिख देते हैं सिर्फ SPST कनेक्शन। देख सकते हैं हमने लिख दिया है, ऐसे क्रॉस टाइप का कर दिया, इधर के तार मोटर में गए हैं और इधर क्रॉस के तार बैटरी में गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये SPST स्विच कनेक्शन है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।